फर्स्ट नाइट एट द कैंप चेक करते हैं आज कैसा सीन रहता है। मज़ीद सुबह उठ के आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अब तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, कैंप लग गया। आप ये चेक करें ज़रा, सामान अंदर सारा मैंने रख लिया है सेव करके। बाइक को मैंने लॉक कर दिया है बिल्कुल ये पिलर के साथ। बाइक भी महफूज, मैं भी महफूज। रात का बज रहा है जी 1 और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि सोया ही नहीं गया। मरी में जल्दी नींद नहीं आती, रश होता है और पता ही नहीं चलता टाइम का कि कितना टाइम हो गया है। और अभी जो है बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। अगर तो बारिश आ गई, मैंने खेमा भी ऐसी जगह पे नहीं लगाया वो टेंट कि बारिश को कवर कर जाए, तो देखते हैं अल्लाह खैर करे कैसी रात गुजरती है। फर्स्ट नाइट एक्सपीरियंस कैसा रहता है कैंप के अंदर। यह जी बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पे दोस्तों ने साथ में जो है कुकिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ था और वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, बारिश होना शुरू हो गया है। आज कैंप का भी इम्तिहान है, देखते हैं कि कैंप कितना कारगर साबित होता है। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। अब वैसे इसके ऊपर मैंने एक और शीट डाली है, वो जो गाड़ी का शीट होती है ना, जो गाड़ी की शीट कवर, वो डाला हुआ है मैंने। तो ऊपर से टेंशन नहीं है, नीचे से टेंशन है कि नीचे से ना मैं भीग जाऊँ। मज़ीद आज इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं कि क्या सीन रहता है। इस टाइम टाइम हो रहा है जी 3:30 का और बारिश इतनी तेज़ हुई है और कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। आपको शायद आवाज़ शोर सुनाई दे रहा होगी हवा की। और अभी मेरा ख्याल है कि बैग पैक करें और यहाँ से जो है ना किसी शेड के नीचे जा कर बना लें। अभी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये ना हो मेरा टेंट ही उड़ जाए। यह है जी कैंप सही तरह से ना लगाने का नतीजा। पानी देखने आप कितना आया हुआ अंदर। चलें कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। सफ़र में मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात जो आती हैं ना वो बंदे को सिखाने के लिए होती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जो है वो बड़ा करीम है, रहमान है, रहीम है, जो अगर मुझे किसी मुश्किल में डाल रहा है लेकिन उससे मुझे सबक एक हासिल हो रहा है। और शायद अल्लाह ताला मुझे इसीलिए मुश्किल में डाल रहा है मैं उसको याद रखूं और मैं ज़िंदगी में तजर्बा हासिल करूं। बहुत तेज़ चल रही है और सर्दी जो है वो बहुत शदीद है हो गई है मरी में। तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस अभी इस वक्त सर्दी है, बारिश होने की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह सुबह का वक्त है जी, सारी रात सो नहीं सका यहाँ पे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और आंधी तूफान भी बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से मेरा कैंप भी ख़राब हो गया है। अब कैंप को ठीक करवाएंगे कहीं से। और ये जो मेरा माइक है इसका भी कुशन निकल के पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया है। मज़ीद आपको जो है अगली वीडियो में रिव्यू देंगे मरी से एबटाबाद रोड का। ये आप इस तरफ से देख सकते हैं कि रोशनी आ रही है सूरज की और क्या कहते हैं इसको, इस यहाँ पे ना पहाड़ों की तरफ से रोशनी जल्दी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन जो है 3:40 से रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। अभी मैंने अपना सामान 1.5 घंटा लगा के पैक किया है, तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं अपना जो भी मेरा कोई नुकसान वगैरह हुआ वो उसको ठीक करवा लिया जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।